मैसेज चला जाए पूरी कॉलोनी में कि मास्क को लेके सख्ती रहनी है और सावधानी रहनी है, क्योंकि कई बार बड़ी कॉलोनी में विथ लिमिटेड स्टाफ हम लोग हर घर नहीं जा पा रहे या नहीं जा पाते हैं, जब क्योंकि पूरे शहर में भी बाकी जगह भी जाना है। तो ये थोड़ा सा जैसे सांकेतिक हमने 2 घंटे दुकान बंद करने के आदेश निकाले हैं ताकि पूरे दिन का लोगों का बिजनेस ना खराब हो, लेकिन मैसेज बहुत क्लियर हो जाए कि भाई इसका पालन करना है। तो इस तरह कोई सांकेतिक बैरिकेड हम लगाएंगे कुछ समय के लिए, थोड़ी थोड़ी देर के लिए, बहुत लंबा पूरे दिन या कंटेनमेंट जोन, अभी बड़ा कंटेनमेंट जोन बनाने का भी विचार नहीं है। पर यदि उसकी आवश्यकता पड़ी, और हम उम्मीद करते हैं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ये थोड़ी सी समझाइश देने के तरीकों में ये हमने शामिल किया। विदिशा में कोरोना फिर विकराल रूप में, एक दिन में निकले अरिहंत विहार कॉलोनी में 47 कोरोना मरीज, कलेक्टर ने किया स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ निरीक्षण। जिले के प्रभारी सचिव, स्वास्थ्य अमला, पुलिस अधिकारी अरिहंत विहार पहुंचे। मुझे भी हुआ था, ये एक ऐसी चीज है जिससे घबराने से तो स्थिति है। तो हमारे 15 के अभी तक रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 13 विदिशा के हैं, 2 बांसोदा के हैं। सर बैरिकेड्स वगैरह भी लगाए गए हैं? बैरिकेड्स हमने जो लगाए हैं, अभी हमारा जो प्लान है, जैसे अरिहंत विहार एक बड़ी कॉलोनी है, यहाँ पे केसेस पिछले विगत दिनों में कुल 47 केसेस आए हैं अरिहंत विहार पूरा मिला के। पूरी कॉलोनी को बैरिकेड करना संभव नहीं है, तो सांकेतिक बैरिकेड लगाए हैं थोड़ी देर के लिए, उसको हम रिलीज कर देंगे अभी, ताकि अंदर एक मैसेज चला जाए पूरी कॉलोनी में कि मास्क को लेके सख्ती रहनी है और सावधानी रहनी है, क्योंकि कई बार बड़ी कॉलोनी में विथ लिमिटेड स्टाफ हम लोग हर घर नहीं जा पा रहे या नहीं जा पाते हैं, जब क्योंकि पूरे शहर में भी बाकी जगह भी जाना है। तो ये थोड़ा सा जैसे सांकेतिक हमने 2 घंटे दुकान बंद करने के आदेश निकाले हैं ताकि पूरे दिन का लोगों का बिजनेस ना खराब हो, लेकिन मैसेज बहुत क्लियर हो जाए कि भाई इसका पालन करना है। तो इस तरह कोई सांकेतिक बैरिकेड हम लगाएंगे कुछ समय के लिए, थोड़ी थोड़ी देर के लिए, बहुत लंबा पूरे दिन या कंटेनमेंट जोन, अभी बड़ा कंटेनमेंट जोन बनाने का भी विचार नहीं है। पर यदि उसकी आवश्यकता पड़ी, और हम उम्मीद करते हैं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ये थोड़ी सी समझाइश देने के तरीकों में ये हमने शामिल किया। विदिशा में कोरोना फिर विकराल रूप में, एक दिन में निकले अरिहंत विहार कॉलोनी में 47 कोरोना मरीज, कलेक्टर ने किया स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ निरीक्षण। जिले के प्रभारी सचिव, स्वास्थ्य अमला, पुलिस अधिकारी अरिहंत विहार पहुंचे। विदिशा में कोरोना फिर विकराल रूप में, एक
एक दिन में निकले अरिहंत विहार कॉलोनी में 47 कोरोना मरीज। कलेक्टर ने किया स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ निरीक्षण। जिले के प्रभारी सचिव, स्वास्थ्य अमला, पुलिस अधिकारी अरिहंत विहार पहुंचे। मुझे भी हुआ था, ये एक ऐसी चीज है जिससे घबराने से ऐसी चीजें हैं जो करनी होती है, अच्छे से खाओ पियो। टोटल हम लोग जो बुलेटिन है वो शाम को जारी करते हैं, बट अभी आज तक का जो स्थिति है वो हमारे 15 केस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 13 विदिशा के हैं, 2 बांसवाड़ा के हैं। सर बैरिकेड्स वगैरह भी लगाए गए हैं? बैरिकेड्स हमने जो लगाए हैं, अभी हमारा जो प्लान है, जैसे अरिहंत विहार एक बड़ी कॉलोनी है, यहाँ पे केसेस पिछले विगत दिनों में कुल 47 केसेस आए हैं अरिहंत विहार पूरा मिला के। पूरी कॉलोनी को बैरिकेड करना संभव नहीं है, तो सांकेतिक बैरिकेड लगाए हैं थोड़ी देर के लिए, उसको हम रिलीज़ कर देंगे अभी, ताकि अंदर एक मैसेज चला जाए पूरी कॉलोनी में कि मास्क को लेके सख्ती रहनी है और सावधानी रहनी है। क्योंकि कई बार बड़ी कॉलोनी में विथ लिमिटेड स्टाफ हम लोग हर घर नहीं जा पा रहे या नहीं जा पाते हैं, जब क्योंकि पूरे शहर में भी बाकी जगह भी जाना है, तो ये थोड़ा सा जैसे सांकेतिक हमने 2 घंटे दुकान बंद करने के आदेश निकाले हैं, ताकि पूरे दिन का लोगों का बिजनेस ना खराब हो, लेकिन मैसेज बहुत क्लियर हो जाए कि भाई इसका पालन करना है। तो इस तरह कुछ सांकेतिक बैरिकेड हम लगाएंगे कुछ समय के लिए, थोड़ी थोड़ी देर के लिए, बहुत लंबा पूरे दिन या कंटेनमेंट जोन, अभी बड़ा कंटेनमेंट जोन बनाने का भी विचार नहीं है, पर यदि उसकी आवश्यकता पड़ी, और हम उम्मीद करते हैं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ये थोड़ी सी समझाइश देने के तरीकों में ये हमने शामिल किया। विदिशा में कोरोना फिर विकराल रूप में। एक दिन में निकले अरिहंत विहार कॉलोनी में 47 कोरोना मरीज। कलेक्टर ने किया स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ निरीक्षण। जिले के प्रभारी सचिव, स्वास्थ्य अमला, पुलिस अधिकारी अरिहंत विहार पहुंचे। मुझे भी हुआ था, ये एक ऐसी चीज है जिससे घबराने से ऐसी चीजें हैं जो करनी होती है, अच्छे से खाओ। टोटल हम लोग जो बुलेटिन है वो शाम को जारी करते हैं, बट अभी आज तक का जो स्थिति है वो हमारे 15 केस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 13 विदिशा के हैं, 2 बांसवाड़ा के हैं। सर बैरिकेड्स वगैरह भी लगाए गए हैं? बैरिकेड्स हमने जो लगाए हैं, अभी हमारा जो प्लान है, जैसे अरिहंत विहार एक बड़ी कॉलोनी है, यहाँ पे केसेस पिछले विगत दिनों में कुल 47 केसेस आए हैं अरिहंत विहार पूरा मिला के। पूरी कॉलोनी को बैरिकेड करना संभव नहीं है, तो सांकेतिक बैरिकेड लगाए हैं थोड़ी देर के लिए, उसको हम रिलीज़ कर देंगे अभी, ताकि अंदर एक मैसेज चला जाए पूरी कॉलोनी में कि मास्क को लेके सख्ती रहनी है और सावधानी रहनी है। क्योंकि कई बार बड़ी कॉलोनी में विथ लिमिटेड स्टाफ हम लोग हर घर नहीं जा पा रहे या नहीं जा पाते हैं, जब क्योंकि पूरे शहर में भी बाकी जगह भी जाना है, तो ये थोड़ा सा जैसे सांकेतिक हमने 2 घंटे दुकान बंद करने के आदेश निकाले हैं, ताकि पूरे दिन का लोगों का बिजनेस ना खराब हो, लेकिन मैसेज बहुत क्लियर हो जाए कि भाई इसका पालन करना है।
तो इस तरह कोई सांकेतिक बैरिकेड हम लगाएंगे कुछ समय के लिए, थोड़ी थोड़ी देर के लिए। बहुत लंबा पूरे दिन या कंटेनमेंट जोन, अभी बड़ा कंटेनमेंट जोन बनाने का भी विचार नहीं है, और यदि उसकी आवश्यकता पड़ी, और हम उम्मीद करते हैं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ये थोड़ी सी समझाइश देने के तरीकों में ये हमने शामिल किया। विदिशा में कोरोना फिर विकराल रूप में, एक दिन में निकले अरिहंत विहार कॉलोनी में 47 कोरोना मरीज, कलेक्टर ने किया स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ निरीक्षण। जिले के प्रभारी सचिव, स्वास्थ्य अमला, पुलिस अधिकारी अरिहंत विहार पहुंचे। मुझे भी हुआ था, ये एक ऐसी चीज है जिससे घबराने से कोई मतलब नहीं। कुछ बेसिक चीजें हैं जो करनी होती है, अच्छे से खाओ पियो, टोटल हम लोग जो बुलेटिन है वो शाम को जारी करते हैं, बट अभी आज तक का जो स्थिति है वो हमारे 15 केस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 13 विदिशा के हैं, 2 बांसोदा के हैं। सर बैरिकेड्स वगैरह भी लगाए गए हैं? बैरिकेड्स हमने जो लगाए हैं, अभी हमारा जो प्लान है, जैसे अरिहंत विहार एक बड़ी कॉलोनी है, यहाँ पे केसेस पिछले विगत दिनों में कुल 47 केसेस आए हैं अरिहंत विहार पूरा मिला के। पूरी कॉलोनी को बैरिकेड करना संभव नहीं है, तो सांकेतिक बैरिकेड लगाए हैं थोड़ी देर के लिए, उसको हम रिलीज कर देंगे अभी, ताकि अंदर एक मैसेज चला जाए पूरी कॉलोनी में कि मास्क को लेके सख्ती रहनी है और सावधानी रहनी है, क्योंकि कई बार बड़ी कॉलोनी में विथ लिमिटेड स्टाफ हम लोग हर घर नहीं जा पा रहे या नहीं जा पाते हैं, जब क्योंकि पूरे शहर में भी बाकी जगह भी जाना है। तो ये थोड़ा सा जैसे सांकेतिक हमने 2 घंटे दुकान बंद करने के आदेश निकाले हैं कि ताकि पूरे दिन का लोगों का बिजनेस ना खराब हो, लेकिन मैसेज बहुत क्लियर हो जाए कि भाई इसका पालन करना है। तो इस तरह कोई सांकेतिक बैरिकेड हम लगाएंगे कुछ समय के लिए, थोड़ी थोड़ी देर के लिए। बहुत लंबा पूरे दिन या कंटेनमेंट जोन, अभी बड़ा कंटेनमेंट जोन बनाने का भी विचार नहीं है, और यदि उसकी आवश्यकता पड़ी, और हम उम्मीद करते हैं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ये थोड़ी सी समझाइश देने के तरीकों में ये हमने शामिल किया। विदिशा में कोरोना फिर विकराल रूप में, एक दिन में निकले अरिहंत विहार कॉलोनी में 47 कोरोना मरीज, कलेक्टर ने किया स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ निरीक्षण। जिले के प्रभारी सचिव, स्वास्थ्य अमला, पुलिस अधिकारी अरिहंत विहार पहुंचे। मुझे भी हुआ था, ये एक ऐसी चीज है जिससे घबराने से कोई मतलब नहीं। कुछ बेसिक चीजें हैं जो करनी होती है, अच्छे से खाओ पियो, है ना। आ रहा है, टोटल आज विदिशा में कितने मरीज मिले हैं? टोटल हम लोग जो बुलेटिन है वो शाम को जारी करते हैं, बट अभी आज तक का जो स्थिति है वो हमारे 15 केस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 13 विदिशा के हैं, 2 बांसोदा के हैं। सर बैरिकेड्स वगैरह भी लगाए गए हैं? बैरिकेड्स हमने जो लगाए हैं, अभी हमारा जो प्लान है, जैसे अरिहंत विहार एक बड़ी कॉलोनी है, यहाँ पे केसेस पिछले विगत दिनों में कुल 47 केसेस आए हैं अरिहंत विहार पूरा मिला के।
पूरी कॉलोनी को बैरिकेड करना संभव नहीं है, तो सांकेतिक बैरिकेड लगाए हैं थोड़ी देर के लिए, उसको हम रिलीज कर देंगे अभी, ताकि अंदर एक मैसेज चला जाए पूरी कॉलोनी में कि मास्क को लेके सख्ती रहनी है और सावधानी रहनी है। क्योंकि कई बार बड़ी कॉलोनी में विथ लिमिटेड स्टाफ हम लोग हर घर नहीं जा पा रहे या नहीं जा पाते हैं, जब क्योंकि पूरे शहर में भी बाकी जगह भी जाना है। तो ये थोड़ा सा जैसे सांकेतिक हमने 2 घंटे दुकान बंद करने के आदेश निकाले हैं कि ताकि पूरे दिन का लोगों का बिजनेस ना ख़राब हो, लेकिन मैसेज बहुत क्लियर हो जाए कि भाई इसका पालन करना है। तो इस तरह कोई सांकेतिक बैरिकेड हम लगाएंगे कुछ समय के लिए, थोड़ी थोड़ी देर के लिए, बहुत लंबा पूरे दिन या कंटेनमेंट जोन, अभी बड़ा कंटेनमेंट जोन बनाने का भी विचार नहीं है। पर यदि उसकी आवश्यकता पड़ी, और हम उम्मीद करते हैं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ये थोड़ी सी समझाइश देने के तरीकों में ये हमने शामिल किया। विदिशा में कोरोना फिर विकराल रूप में, एक दिन में निकले अरिहंत विहार कॉलोनी में 47 कोरोना मरीज। कलेक्टर ने किया स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ निरीक्षण। जिले के प्रभारी सचिव, स्वास्थ्य अमला, पुलिस अधिकारी अरिहंत विहार पहुंचे। मुझे भी हुआ था, ये एक ऐसी चीज है जिससे घबराने से कोई मतलब नहीं। कुछ बेसिक चीजें हैं जो करनी होती है, अच्छे से खाओ पियो, है ना। आ रहा है टोटल, आज विदिशा में कितने मरीज मिले हैं? टोटल हम लोग जो बुलेटिन है वो शाम को जारी करते हैं, बट अभी आज तक का जो स्थिति है वो हमारे 15 के सभी तक रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 13 विदिशा के हैं, 2 बांसोदा के हैं। सर बैरिकेड्स वगैरह भी लगाए गए हैं? बैरिकेड्स हमने जो लगाए हैं, अभी हमारा जो प्लान है, जैसे अरिहंत विहार एक बड़ी कॉलोनी है, यहाँ पे केसेस पिछले विगत दिनों में कुल 47 केसेस आए हैं अरिहंत विहार पूरा मिला के। पूरी कॉलोनी को बैरिकेड करना संभव नहीं है, तो सांकेतिक बैरिकेड लगाए हैं थोड़ी देर के लिए, उसको हम रिलीज कर देंगे अभी, ताकि अंदर एक मैसेज चला जाए पूरी कॉलोनी में कि मास्क को लेके सख्ती रहनी है और सावधानी रहनी है। क्योंकि कई बार बड़ी कॉलोनी में विथ लिमिटेड स्टाफ हम लोग हर घर नहीं जा पा रहे, क्योंकि पूरे शहर में भी बाकी जगह भी जाना है। तो ये थोड़ा सा जैसे सांकेतिक हमने 2 घंटे दुकान बंद करने के आदेश निकाले हैं कि ताकि पूरे दिन का लोगों का बिजनेस ना ख़राब हो, लेकिन मैसेज बहुत क्लियर हो जाए कि भाई इसका पालन करना है। तो इस तरह कोई सांकेतिक बैरिकेड हम लगाएंगे कुछ समय के लिए, थोड़ी थोड़ी देर के लिए, बहुत लंबा पूरे दिन या कंटेनमेंट जोन, अभी बड़ा कंटेनमेंट जोन बनाने का भी विचार नहीं है। और यदि उसकी आवश्यकता पड़ी, और हम उम्मीद करते हैं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ये थोड़ी सी समझाइश देने के तरीकों में ये हमने शामिल किया। We'll be right back.
कलेक्टर ने किया स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ निरीक्षण। जिले के प्रभारी सचिव, स्वास्थ्य अमला, पुलिस अधिकारी अरिहंत विहार पहुंचे। मुझे भी हुआ था, ये एक ऐसी चीज है जिससे घबराने से कोई मतलब नहीं। कुछ बेसिक चीजें हैं जो करनी होती है, अच्छे से खाओ पिए हो, है ना। आ रहे हैं टोटल, आज विदिशा में कितने मरीज मिले हैं? टोटल हम लोग जो बुलेटिन है वो शाम को जारी करते हैं, बट अभी आज तक का जो स्थिति है वो हमारे 15 केस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 13 विदिशा के हैं, 2 बांसवाड़ा के हैं। सर बैरिकेड्स वगैरह भी लगाए गए हैं? बैरिकेड्स हमने जो लगाए हैं, अभी हमारा जो प्लान है, जैसे अरिहंत विहार एक बड़ी कॉलोनी है, यहाँ पे केसेस पिछले विगत दिनों में कुल 47 केसेस आए हैं अरिहंत विहार पूरा मिला के। पूरी कॉलोनी को बैरिकेड करना संभव नहीं है, तो सांकेतिक बैरिकेड लगाए हैं थोड़ी देर के लिए, उसको हम रिलीज़ कर देंगे अभी, ताकि अंदर एक मैसेज चला जाए पूरी कॉलोनी में कि मास्क को लेके सख्ती रहनी है और सावधानी रहनी है, क्योंकि कई बार बड़ी कॉलोनी में विथ लिमिटेड स्टाफ हम लोग हर घर नहीं जा पा रहे या नहीं जा पाते हैं जब, क्योंकि पूरे शहर में भी बाकी जगह भी जाना है। तो ये थोड़ा सा जैसे सांकेतिक हमने 2 घंटे दुकान बंद करने के आदेश निकाले हैं कि ताकि पूरे दिन का लोगों का बिजनेस ना ख़राब हो, लेकिन मैसेज बहुत क्लियर हो जाए कि भाई इसका पालन करना है। तो इस तरह कोई सांकेतिक बैरिकेड हम लगाएंगे कुछ समय के लिए, थोड़ी थोड़ी देर के लिए, बहुत लंबा पूरे दिन या कंटेनमेंट जोन, अभी बड़ा कंटेनमेंट जोन बनाने का भी विचार नहीं है, पर यदि उसकी आवश्यकता पड़ी, और हम उम्मीद करते हैं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ये थोड़ी सी समझाइश देने के तरीकों में ये हमने शामिल किया। विदिशा में कोरोना फिर विकराल रूप में। एक दिन में निकले अरिहंत विहार कॉलोनी में 47 कोरोना मरीज। कलेक्टर ने किया स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ निरीक्षण। जिले के प्रभारी सचिव, स्वास्थ्य अमला, पुलिस अधिकारी अरिहंत विहार पहुंचे।
जिले के प्रभारी सचिव, स्वास्थ्य अमला, पुलिस अधिकारी अरिहंत विहार पहुंचे। मुझे भी हुआ था, ये एक ऐसी चीज है जिससे घबराने से कोई मतलब नहीं। कुछ बेसिक चीजें हैं जो करनी होती है, अच्छे से खाओ पियो। टोटल हम लोग जो बुलेटिन है वो शाम को जारी करते हैं, बट अभी आज तक का जो स्थिति है वो हमारे 15 केस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 13 विदिशा के हैं, 2 बांसवाड़ा के हैं। सर बैरिकेड्स वगैरह भी लगाए गए हैं? बैरिकेड्स हमने जो लगाए हैं, अभी हमारा जो प्लान है, जैसे अरिहंत विहार एक बड़ी कॉलोनी है, यहाँ पे केसेस पिछले विगत दिनों में कुल 47 केसेस आए हैं अरिहंत विहार पूरा मिला के। पूरी कॉलोनी को बैरिकेड करना संभव नहीं है, तो सांकेतिक बैरिकेड लगाए हैं थोड़ी देर के लिए, उसको हम रिलीज़ कर देंगे अभी, ताकि अंदर एक मैसेज चला जाए पूरी कॉलोनी में कि मास्क को लेके सख्ती रहनी है और सावधानी रहनी है। क्योंकि कई बार बड़ी कॉलोनी में विथ लिमिटेड स्टाफ हम लोग हर घर नहीं जा पा रहे या नहीं जा पाते हैं, जब क्योंकि पूरे शहर में भी बाकी जगह भी जाना है। तो ये थोड़ा सा जैसे सांकेतिक हमने 2 घंटे दुकान बंद करने के आदेश निकाले हैं कि ताकि पूरे दिन का लोगों का बिजनेस ना ख़राब हो, लेकिन मैसेज बहुत क्लियर हो जाए कि भाई इसका पालन करना है। तो इस तरह कोई सांकेतिक बैरिकेड हम लगाएंगे कुछ समय के लिए, थोड़ी थोड़ी देर के लिए, बहुत लंबा पूरे दिन या कंटेनमेंट जोन, अभी बड़ा कंटेनमेंट जोन बनाने का भी विचार नहीं है। पर यदि उसकी आवश्यकता पड़ी, और हम उम्मीद करते हैं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ये थोड़ी सी समझाइश देने के तरीकों में ये हमने शामिल किया है।